हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक लेक्चर 3 ऑफ केमिस्ट्री प्लस 2 क्लास। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेट रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट रिएक्शन। देन अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट and the second one is instantaneous rate and the third one is initial rate। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज क्या होता है पता है आपको सबको, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस यानी जो जल्दी से हो जाता है, और इनिशियल यानी स्टार्टिंग का रेट। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो एवरेज रेट होता है ना आपका, तो आपको एक बात तो पता ही है, जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा, ये बात आपको पता ही है। तो अगर हम बात करें एवरेज रेट की, ठीक है, एवरेज रेट की अगर बात करें तो ये होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, कंसेंट्रेशन का चेंज होना यानी कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का चेंज होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर एक रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट कर रही हूं। तो देखो रिएक्टेंट के लिए मैंने यहां ग्राफ प्लॉट किया, यहां मैंने टाइम ले लिया टी और इस साइड मैंने ले ली कंसेंट्रेशन सी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज यहां पे स्टार्ट जो रिएक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए कर रही हूं मैं, ये याद रखना, ये रिएक्टेंट के लिए कर रही हूं मैं। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट के लिए कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, बताया ना मैंने। प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा यानी रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा, कम होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये नीचे की तरफ डिक्रीज होता हुआ आएगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जरा यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए टाइम के। सपोज मैंने यहाँ टी वन ले लिया, टी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ ले लिया मैंने टी इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंसेंट्रेशन का पॉइंट यहाँ पर सी टू होगा और ये कंसेंट्रेशन का पॉइंट क्या होगा, सी वन होगा, है ना। कंसंट्रेशन का पॉइंट यहाँ C1 होगा और ये C2 होगा। तो एक चीज देखिए आपने, जो C1 था, C1 कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, क्योंकि T1 इनिशियल है, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो तो है ज्यादा, C1 तो है ज्यादा, लेकिन जो फाइनल है, फाइनल टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लेस है। तो हमें करना क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस केस में हम ये देख पा रहे हैं कि सी टू से C1 ज्यादा है, ठीक है, C2 से C1 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंसंट्रेशन चेंज आएगा डेल C बाय डेल T, वो क्या आएगा, यहां पर देखो ध्यान से, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय डेल T। डेल T का भी हम लिख ही लेते हैं, क्या है, T2 माइनस T1। तो स्टूडेंट एक चीज हमने देखी यहां पर कि ये जो C2 में से अगर C1 माइनस करेंगे, कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना, कम में से ज्यादा माइनस करेंगे, मान लो दो है, दो में से चार माइनस करेंगे तो माइनस का दो आएगा। तो रेट कभी भी आपका जो है नेगेटिव नहीं होता, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो आ गया आपका एवरेज रेट आ गया इन फाइनाइट टाइम में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आई हमारी फाइनाइट टाइम में रेट की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल सी, चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ डेल सी बाय डेल टी। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये देखो, ये स्टूडेंट एवरेज रेट मैंने निकाला रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट ये निकल के आया, लेकिन सेम ऐसा ही अगर मैं प्रोडक्ट के लिए निकालूंगी तो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा वो पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ किस तरह से होगा, बढ़ती हुई कंसंट्रेशन का, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो देखो अगर मैं टाइम T1 लेती हूं तो कंसंट्रेशन कितनी है, सिर्फ इतनी C1, लेकिन अगर मैं टाइम T2 लेती हूं तो कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती है C2। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो इस केस में क्या हुआ, जो C2 है वो C1 से बड़ा है, यानी कि फाइनल वाला इनिशियल से बड़ा है, लेकिन उधर क्या था, C2 जो था आपका वो छोटा था, C1 बड़ा था, तो इस केस में उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज, यानी कि ये नेगेटिव नहीं आएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, फाइनाइट टाइम की कैलकुलेशन में लैम्डा यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा लैम्डा या डेल बोलो जो भी, डेल सी डेल टी।
तो ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, और जो ये आया माइनस वाला ये रिएक्टेंट आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड जब मिनट हो या उससे कम हो उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये पहले एवरेज वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंस्टेंटेनियस रेट करेंगे। तो ले लिया, तो अब हम स्टूडेंट सेकंड केस करेंगे इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, इंस्टेंटेनियस अभी मैंने बताया आपको इंस्टेंटेनियस क्या क्या मतलब होता है, जो भी इंस्टेंट टाइम में हो जाए। ठीक है, जहां टाइम इंटरवल ही ना हो। ठीक है, उसको टाइम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, यानी कि टाइम का चेंज ही ना हो। ठीक है, जब मिनट हो तो कम हो या फिर बिल्कुल हो ही ना, चलो आप ये सोच के चलो कि टाइम चेंज ही ना हो। ठीक है, टाइम चेंज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जब हम स्लोप की बात करेंगे, सपोज ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो सपोज इस तरह से आ रहा था जो हमारा ग्राफ। ठीक है, ये C1 के लिए था और ये C2 के लिए था, ये T1 था और ये T2 था, ये C2 था और ये C1 था। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेट, सॉरी टाइम, जो इन दोनों के बीच में टाइम होगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जहां पे डेल्टा टी इम्प्लाइज तो जीरो, ठीक है, विच अप्रोचेस टू जीरो। तो इंस्टेंटेनियस में यानी कि स्मॉल इंटरवल में चेंज होता है, जो स्लोप होगा लाइन का उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, जो स्लोप है, इस स्लोप जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप जो है, जो ये स्लोप है ना स्टूडेंट आपका, स्लोप ऑफ लाइन, इसी को हम रेट कहते हैं। ठीक है, स्लोप को ही हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम रेट कह रहे हैं। और इसमें हम यूज करेंगे डीसी बाय डीटी। डीसी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डीटी का मतलब चेंज इन टाइम। लेकिन अब यहाँ टी क्यों यूज किया है मैंने, ठीक है, तो टी सॉरी डी क्यों यूज किया है, डी छोटे वाला डी यूज क्यों किया मैंने, इंस्टेंस के लिए यूज किया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेल सी बाय में डेल टी लिखते हैं, तो यहां पर टी अप्रोच करता है हमारा जीरो को। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ डीसी बाय डी टी, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंट रेट है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें लिमिट शो करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो इसका जो आपको ये सबसे पहले पता है, रिएक्टेंट हम निकाल लेंगे, रिएक्टेंट में कभी भी मतलब कि ये वैल्यू जो आएगी हमारी, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया ना मैंने, C2 माइनस C1 आएगा, यानी कि कम में से ज्यादा करेंगे माइनस आएगा, तो इससे पहले हम खुद ही लगा देते हैं माइनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डीसी बाय में डीटी। और प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डीसी बाय में डीटी। ठीक है, तो ये प्लस में बनेगा और ये माइनस में बनेगा। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस में याद रखना टाइम इंटरवल टी इक्वल टू जीरो है, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इनिशियल रेट। इसमें टाइम ना के बराबर है, इसलिए मैंने डी यूज किया है स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी कराती हूं मैं, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर होएगा, उससे पहले हम इनिशियल रेट करेंगे। तो इंस्टेंट के बाद स्टूडेंट आता है हमारा इनिशियल। तो इनिशियल का तो नाम से ही पता लग रहा है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग। तो देखो जब भी स्टार्ट होगी कोई रिएक्शन तो टाइम कितना होगा, जीरो होगा। टाइम इंटरवल क्या होगा, जीरो, यानी कि ना के बराबर होगा, खत्म। स्टार्टिंग रिएक्शन स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगी, जीरो। जब रिएक्शन शुरू होगी तभी रिएक्शन में टाइम जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो रेट एट टाइम जीरो इज कॉल्ड इनिशियल रेट। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका डीसी बाय डीटी, जहां पे टी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और ये हमारा इनिशियल रेट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज 5 + 30t - 2t² 10। फाइंड द इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट फाइंड आउट करना स्टूडेंट, हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या होगा डीसी बाय में डीटी एज टाइम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये होगा। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन का डी यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, जो कि मैथ का काम है, बड़ा इजी सा काम होता है इसको निकालना। 5 + 30 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टी के रिस्पेक्ट में, 2² / dt। इसका मतलब डीटी के रिस्पेक्ट में आपने, देखो यहां कोल के लिख देती हूँ, डी बाय डीटी और 5 जो कि जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस 30t / dt। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है बीच में, -2t² / dt। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला नोट करो स्टूडेंट, डी टी की पावर एन डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, n t n-1। ठीक है, और जब भी कब आप कांस्टेंट का करोगे डी के बाय डी टी तो ये जीरो होता है। ये दो फॉर्मूले याद कर लो आप, ठीक है, यही चलेंगे यहां। तो देखो डी के बाय डी टी यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या हो गया जीरो, प्लस 30t है, टी का है ना, देखो टी की पावर एन यानी कि एक है, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी
टी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना हम ये, ठीक है। तो टी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा देखो एन माइनस वन, लेकिन हमारे पास तो इसकी पावर पूवर कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 30 इंटू वन, क्योंकि ये टी ही था ना ऑलरेडी। माइनस यहां पर देखो टू टी का स्क्वायर है, यानी कि टू टी, टू आगे आ गया आपका, ये टू अलग है, टू इसकी पावर एन माइनस वन, ठीक है, यानी कि टू माइनस वन डिवाइडेड टी टी के रिस्पेक्ट में तो किया ही है, तो जीरो प्लस 30 माइनस 40, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 40 आ गया, ठीक है। तो यानी इसको मैं ये लिख सकती हूँ 30 माइनस 40, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आई टी इज इक्वल टू जीरो पे आई, किसकी, डीसी बाय डीटी की, तो ये वैल्यू आई। अब यानी टी ट्रेंड्स टू जीरो, टी गोज जा रहा है जीरो, यानी कि टी की जगह हमें जीरो पुट करना पड़ेगा, है ना, टी की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा, तो टी जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू जीरो, यानी कि 30। तो यहां पर हमारा जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये मिनट पर सेकेंड कैसे निकले वो हम यूनिट निकालने में आपको सिखाती हूँ, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यूनिट करते हैं हम। तो अब स्टूडेंट रेट के यूनिट निकाल लेंगे हम, ठीक है। रेट दोनों फॉर्म में है, एक तो एक्वस की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, और दूसरा किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, जो कि प्रेशर की फॉर्म में है, लेकिन हमने सिर्फ कंसंट्रेशन करना, लेकिन मैं इसके यूनिट दोनों के बताऊंगी, डोंट टेक टेंशन। तो देखो सबसे पहले केस वन निकालते हैं, केस वन में हमें निकालने हैं एक्वस के लिए, ठीक है। तो एक्वस के लिए आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल सी बाय में डेल टी, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमेशा किस में होती है, मोलर में होती है, और टाइम आप जिसमें मर्जी ले लो, चलो सेकंड में ले लेते हैं, सबसे छोटा यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। और जो आपको पता है एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो मोलर होता है, मोलर, ठीक है, मोलर किसके इक्वल होता है, मोल पर लीटर, यही होता है मोलर, क्या होता है, मोल पर लीटर, बस इसको इसके अंदर पुट कर दो आप, तो यहां पर हमारा क्या निकल के आएगा, मोलर की जगह क्या लिखा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड था, ठीक है। तो मैं यहां इसको ऐसे कर सकती हूँ, कह सकती हूँ इसको मोल बाय लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो इसके निकल के आए हमारे, ये निकल आया हमारा यूनिट रेट का, किस केस के लिए, एक्वस केस के लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, रेट के जो ये है यूनिट निकल के आए, ठीक है। ये तो केस वन था एक्वस वाला, अब केस टू करते हैं हम, जिसमें गैस है। अब गैस वाले केस में ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर बाय में टाइम होगा, है ना, तो प्रेशर को किसमें नोट करते हैं, एटमॉस्फेयर में, टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड में, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, एटीएम एस इनवर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो साथ में मैं डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ आपको, अगली जो हमारी प्ले है इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उस टाइम मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। और अब डेफिनेशन देख लीजिए,